السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل نقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد कमाबारक इब्राहिम्राहिमद मजीद महतरम नाजरीन हम एक बार फिर से आपकी खिदमत में आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम सच्चे वाकयात नामी सीरीज़ के बारहवें एपिसोड को लेकर हाजिर हैं और इस प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मकदम करते हैं अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं आज के इस एपिसोड में इन हम सही बुखारी की हदीस नंबर 2215 2215 इस हदीस के अंदर एक वाक़ प्यारे रसूल अलैहि वसल्लम ने बयान किया है बड़ा ख़ूबसूरत सा वाक़ बड़ा प्यारा सा वाक़ा जिसमें हमारे लिए बहुत सारी नसीहतें हैं और हमारी ज़िंदगी में काम आने वाली कई चीज़ें हैं इन ये आपके सामने बयान करने की से हासिल कर रहे हैं आइए वाकया देखते हैं लेकिन वाकया देखने से पहले जो आयत करीमा मैंने हम दो सलात के बाद पढ़ी अल्लाह फरमाते या आईीन आमनत वब तगो इले ईमान वालो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो वब तगो वसीला और उसकी उसकीबत हासिल करने के रास्ते तलाश करो कि कैसे अल्लाह केरीब पहुँच सकते हो वजह ही दो और अल्लाह के रास्ते में कोशिशें करो मेहनतें करो लोन ताकि तुम कामयाब हो जाओ ताकि तुम्हारे हाथ कामयाबी लग जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन के केबत हासिल करने के क्या रास्ते हैं आइए इस वाक़े में अल्लाह के करीब तक पहुँचने का रास्ता तलाश करते हैं प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पुराने दौर में खराजाला तीन लोग निकले यमशूना चल रहे हैं रास्ते में चल रहे हैं पासा मतर अचानक बारिश आ जाती है बारिश से बचने के लिए वो लोग एक गार में छुप जाते हैं एक गार की पनाह ले लेते हैं यानी पहाड़ में कोई ऐसी जगह होती है जहाँ छुपने के लिए आप आराम से छुप सकते हैं बैठ सकते हैं लेट सकते हैं उसी को गार कहा जाता है तो गार की पनाह उन्होंने ले ली इतफाक़ देखें फ़न हक सखरा प्यारे रसूल अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो लोग अंदर गए और इधर से अल्लाह की मर्जी ये हुई कि दौरान बारिश उस पहाड़ से एक चट्टान गिरती है बहुत बड़ा सा पत्थर गिरता है और गार के दहाने गार के मुंह पर आकर गार का रास्ता बंद कर लेता है यानी बाहर से अगर देखने वाला देखे तो उसे पता नहीं चलेगा कि इधर अंदर गार है और छुपने की जगह है ये सारे लोग परेशान हो गए ये सारे लोग परेशान हो गए कि अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे यहां से निकलेंगे कैसे निकलने का क्या रास्ता है बाहर की जिंदगी में जाएंगे कैसे चुनाच लोगों ने आपस में मशवरा करने के बाद तय किया यह फिक्स हुआ उद अल्लाह बेअ वाली अमिल तुमो आपस में एक दूसरे से कहा कि एक काम करते हैं हम तीनों दुआ करते हैं अल्लाह से एक एक करके अल्लाह से दुआ करते हैं सबसे अव्वल सबसे नेक अमल का वास्ता जो आज तक हमने ज़िंदगी में किया है उस अमल का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ करेंगे सवाल करेंगे हो सकता है अल्लाह हमारी परेशानी को हमारी मुश्किल को दूर कर दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उनमें से एक बंदे ने दुआ किया अल्लाह मेरे बूढ़े माँ बाप थे बहुत बूढ़े माँ बाप थे और मैं बकरियाँ चराने का काम करता था मैं बकरियाँ चराने के लिए निकलता था शाम को घर वापस आता और उनका दूध निकालता और दूध निकालने के बाद अपने माँ बाप को सबसे पहले पिलाता फिर उसके बाद अपनी बीवी और बच्चे को पिलाता था अपनी औलाद को अपने घर वालों को बाद में पिलाता था और माँ बाप को जो बूढ़े थे उनको पहले पिलाता था एक दिन ऐसा हुआ अल्लाह बकरियां बकरियाँ चराते 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 मैं दूर निकल गया और वापस घर पहुंचने में ताखीर हो गई इतना लेट हो गया कि मेरे बूढ़े माँ बाप सो चुके थे मैंने बकरियों की थन से दूध निकाला दूध निकालने के बाद मैं दूध का प्याला लेकर माँ बाप के सिरहाने माँ बाप के सामने खड़ा रहा कि मेरे माँ बाप जब उठेंगे तब इनको दूध पिलाऊंगा, ये सैराब होंगे और फिर इसके बाद अपनी बीवी और अपने बच्चों को दूध पिलाऊंगा मैं उन्हें जगाना भी नहीं चाहता था उनकी नींद में खलल भी डालना नहीं चाहता था और अपने बीवी और बच्चों को माँ बाप से पहले पिलाना और खिलाना भी नहीं चाहता था अल्लाह मैं कशमकश में था मैं तजबजुम में था यहाँ तक कि इसी असना में यही काम करते करते इसी सिचुएशन में पूरी रात गुजर गई अल्लाह मैंने सिर्फ इसलिए किया ये काम मैंने अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत के वास्ते किया इतना ऊंचा मकाम इतनी अहमियत उनकी मेरी नज़र में है कि उनसे पहले मैं अपनी बीवी और बच्चों को दूध नहीं पिला सकता हालांकि मेरे बच्चे मेरे सामने रो रहे थे भूख से बेताब थे परेशान थे लेकिन मैंने अपने माँ बाप से पहले उनको दूध पिलाना मुनासिब नहीं समझा अल्लाम अन्नी फाली का इबतगा अवजी का फफर उन्ना अल्लाह अगर तू जानता है बेशक तू जानता है कि मैंने यह काम सिर्फ तेरी खुशी के लिए किया इसलिए कि तेरा हुक्म है कि माँ बाप की खिदमत करो माँ बाप का कहना मानो उनकी इज्जत करो उनका रिस्पेक्ट करो अल्लाह ये काम मैंने सिर्फ तेरी खुशी के लिए किया और तू जानता है अल्लाह इस नेक अमल के बदले फफ्र वानना अल्लाह हमें इस मुश्किल से निकाल दे और इतना रास्ता बना दे कि हम आसमान को देख सकें हम आसमान का मुशाहदा कर सकें उसके बाद पहले ने दुआ मांगी चट्टान थोड़ी सी खिसक गई जिससे वो लोग आसमान को देख सकते थे और हवा आ सकती थी दूसरे ने दुआ मांगी मैं अपनी फूफी की बेटियों में से या एक कजिन थी मेरी मैं उससे बड़ी मोहब्बत करता था इतनी मोहब्बत इतनी शदीद मोहब्बत कि जितनी शदीद मोहब्बत और सख्त मोहब्बत कोई मर्द किसी औरत से कर सकता है मैं इतनी ज्यादा उससे मोहब्बत करता था मैंने उसके सामने ये ऑप्शन रखा कि अपना आप मेरे हवाले कर दे और तू मेरे साथ जिंदगी गुजार मैं उसके साथ गलत काम करना चाहता था गलत इरादा था मेरा तो उस कजिन ने मुझे जवाब दिया कि तुम मुझे हासिल नहीं कर सकते यहां तक कि मुझे सौ दिनार दे दो यानी मुझे सौ दिनार की जरूरत है तो मुझे सौ दिनार दे दो और फिर मैं अपना आप उसके बदले तुम्हारे हवाले कर दूंगी ये बंदा कहता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस शख्स ने कहा के अल्लाह फसाई तू मैंने सौ दिनार जमा करने के लिए मेहनत की कोशिश की भाग दौड़ किया मेरे पास उतने नहीं थे और आप जानते हैं सौ दिनार कितना होता है बीस दिनार किसी के पास एक साल तक रह जाए तो उस पर जकवात फर्ज हो जाती है बीस दिनार का मतलब पचासी ग्राम सोना और सौ दिनार का मतलब चार सौ पच्चीस ग्राम सोना गोया की आधा किलो से सिर्फ पचहत्तर ग्राम कम सोना कितनी कीमत होगी उसकी आप तस्वूर कर सकते हैं आप अंदाजा कर सकते हैं आप अंदाजा कर सकते हैं सिर्फ सौ ग्राम सोने की कीमत चार लाख रुपए है इस वक्त चार लाख रुपए सिर्फ सौ सो ग्राम सोने की कीमत चार सौ पच्चीस ग्राम सोने की कीमत गोया की हो गई सोलह लाख बल्कि सत्रह लाख रुपए हो गई सत्रह लाख रुपए उस दौर और उस जमाने में उस लड़की ने फरमाइश की थी कि मुझे सौ दिनार दे दो मैं अपना आप तुम्हारे हवाले कर दूंगी वो बंदा कहता है अल्लाह मैंने कोशिश की मेहनत की सौ दिनार जमा कर लिए उस बंदी के पास आया उस कजिन के पास आया मैंने दिया वो मेरे साथ गलत काम करने पर रजामंद हो गई यहाँ तक कि जब मैं उसकी दोनों टांगों के दरमियान बैठ गया यानी मुकम्मल तैयार था उसके साथ गलत काम करने के लिए उसने अल्लाह का इतकल्ला कि ए बंदे अल्लाह से डर ए बंदे अल्लाह से डर और इस खातम को इस महर को मत तोड़ इल्ला ही मगर सही रास्ते से हक के रास्ते से उस रास्ते से जिस रास्ते की अल्लाह ने इजाजत दी यानी ये गलत काम तुम कर रहे हो ये बदकारी है इसे जिना कहते हैं और अल्लाह ने हराम करार दिया लिहाजा अल्लाह से डरो वो बंदा कहता है अल्लाह उसने मुझे तेरा हवाला दिया उसने मुझे तुझसे डरने की नसीहत की अल्लाह मैंने उसको छोड़ दिया अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट दिया अपनी जिनसी ख्वाहिश को कुर्बान करके अल्लाह सिर्फ तेरे डर से मैं उस गलत काम से बाज आ गया अल्ला फ़ालतुदारी का इफ्तः अवजी का अल्लाह अगर तू जानता है और बेशक जानता है कि ये काम मैंने सिर्फ तेरी वजह से तेरी खुशी हासिल करने के लिए किया है अल्लाह इस चट्टान को इस गार से दूर कर दे अल्लाह ने उसकी भी दुआ कबूल कर ली पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो तिहाई यानी टू थर्ड रास्ता खुल गया लेकिन इतना नहीं था कि अभी वो लोग बाहर निकल सकते हो तीसरे ने दुआ की कि अल्लाह मैंने एक मजदूर को अपने यहाँ मामूली से कीमत पर मजदूरी के लिए रखा था उस मजदूर को एक दिन मैंने उसकी मजदूरी देनी चाही तो उसने बगैर मजदूरी लिए वो वहाँ से चला गया उसने मजदूरी नहीं ली अल्लाह मैंने उसकी मजदूरी का पैसा मैं उसको पालता रहा परोसता रहा उससे मैंने जानवर खरीदे उससे मैंने गायें खरीदी उसकी परवरिश करता रहा परवरिश करता रहा यहां तक कि एक पूरा रेवड़ एक पूरा काफिला बन गया जानवरों का फिर वो अल्लाह का बंदा एक दिन आया और आने के बाद मुझसे अपनी मजदूरी पूछता है मजदूरी का सवाल करता है कि फला मौके से मैंने आपके यहाँ कुछ काम किया था मजदूरी लिए बगैर चला गया था आज आप मुझे वो मजदूरी वापस कर दीजिए कि मेरी मजदूरी दे दो मैंने उससे कहा कि ये देखो ये जितने जानवर जितने गाय और जितने चौपाए दिख रहे हैं सब तुम्हारे हैं उसने कहा अतस्तहसी भी मजाक करते हो मुझसे मैंने काम थोड़ा किया था मेरी मजदूरी मामूली थी थोड़ी सी मजदूरी थी और आज इतना बड़ा तुम मुझसे मजाक कर रहे हो कहा नहीं नहीं अल्लाह मैंने कहा कि मैं मजाक नहीं करता हूँ ये तुम्हारी मजदूरी को पालता रहा मैं पालता रहा और आज इसका ये नतीजा ये सब तुम्हारा है उसी मजदूरी के मामूली पैसे को पालने की वजह से आज इतनी बड़ी दौलत के तुम मालिक बन गए हो एल्ला एल्ला ल्ला। 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 इन तालम अन्नी फाल इतज ही का फफ्र अल्लाह अगर तू जानता है और बेशक जानता है कि ये काम मैंने सिर्फ तेरी ख़ुशी के लिए किया तेरी खुशी हासिल कर सकूं अल्लाह तो हमसे इस चट्टान को दूर कर दे ताकि हम इस मुश्किल से इस परेशानी से निकल सकें प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसकी भी दुआ कबूल हो गई और वो चट्टान बग़ैर किसी सोर्स के अल्लाह के हुक्म से उस गार से निकल गया उस गार से हट गया उस गार के दहाने से वो चट्टान दूर हो गई और अल्लाह आलमीन ने उन तीनों बंदों को तीनों इंसानों को सही सलामत उस गार से वापस निकाल दिया मोहतरम नाजरीन यहां पर यह वाक़ यह किस्सा यह स्टोरी खत्म हुई हमारे लिए पैगाम क्या है हमारे लिए इस स्टोरी में इस वाके में मैसेज क्या है मैसेज नंबर एक पैगाम नंबर एक कि हम और आप माँ बाप की खिदमत करें माँ बाप के मकाम को समझें वालदे की वालदे के, के करना बहुत बड़ी नेकी है वालदेन की खिदमत करना बहुत बड़े सवाब का ज़रिया है वालदे की इताहत करना बहुत बड़े सवाब का अजर का अल्लाह को खुश करने का बायस है अल्लाह ने फरमाया फरमाना फ़ला तकल माऊफिन माँ बाप को बूढ़ा पाओ या उन दोनों में से किसी एक को वो कमज़ोर हो जाएं तो उन्हें उफ मत कहो उन्हें डांटो मत उनसे अच्छी बात करो मोहब्बत से बात करो उनके लिए अपने बाजू को नरम कर लो वक़ुर कमा रब्बयानी सगीरा और उनके लिए दुआ मांगो कि अल्लाह इन दोनों पर ऐसे ही रहम फरमा जैसे बचपन में इन दोनों ने हमें पाला था हमारी परवरिश की थी माँ बाप का कितना बड़ा मकाम है अल्लाह ने कुरानी मजीद के अंदर कई मकाम पर अपनी इबादत के बाद

माँ बाप को कीमती समझें माँ बाप हमारी ज़िंदगी का सरमाया है हमारी जिंदगी का असासा हैं उन्हें डांटे नहीं उन्हें फटकारे नहीं उन्हें उफ मत कहें उनके साथ मोहब्बत से बात करें नरमी के साथ बात करें क्योंकि ये साया एक बार उठ जाता है तो ये साया दोबारा हासिल नहीं होता देखें उस बंदे ने माँ बाप की खिदमत की और माँ बाप की बात मानी माँ बाप की इताज किया माँ बाप के साथ उसने सलूक करता रहा और एक मौका ऐसा आया कि मुश्किल में फंस गया तो उसे सबसे खूबसूरत सबसे बेहतरीन अमल क्या लगा कि उसने एक बार माँ बाप के साथ बेहतरीन नेकी की थी जिंदगी भर अच्छा करता रहा और एक बार मौका ऐसा आया कि ए, बच्चे रो रहे हैं बिलक रहे हैं और चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं लेकिन उसे ये गवारा नहीं है कि माँ बाप से पहले अपने बच्चों को या अपनी बीवी को वो दूध पिला दे अपनी बीवी का या अपने बच्चे का पेट भर दे पूरी रात उस बंदे ने खड़े खड़े गुजार दी दूध का प्याला हाथ में लेकर गुजार दिया लेकिन माँ बाप से पहले बीवी और बच्चों को दूध पिलाना मुनासिब नहीं समझा और उसके इस नेक अमल को अल्लाह ने कबूल किया और उसकी इस दुआ की वजह से वो चट्टान उस गार के दहाने से मामूली सी सरक गई दूर हो गई इसी तरीके से इस वाक़े से इस स्टोरी से पैगाम में मिलता है कि हमारे दिल में अगर अल्लाह का डर है हमारे दिल में अगर अल्लाह का खौफ है तो अल्लाह का यह डर अल्लाह का यह खौफ हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पर गलत काम करने से बचाने में मदद करेगा देखें वो बंदा मुकम्मल तैयार है पैसे भी दौलत भी उसने दे दिया है लड़की भी सामने है और दिमाग पर शैतानी गलबा है जिनसी ख्वाहिश को पूरी करने का जुनून सवार है मुकम्मल तैयार है वो बंदा लेकिन सिर्फ एक हवाला सिर्फ एक हवाला इतकल्ला अल्लाह से डरो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो अल्लाह का डर उसका खौफ अपने दिल में पैदा करो इस अल्लाह के डर ने उसे तमाम तर वसाइल के बावजूद उस गलत काम से रोक दिया और ज़िंदगी का सबसे अव्वल अमल सबसे बेहतरीन नेकी उसने उसे शुमार की मेरे भाइयों महतरम नाजरीन आपकी ज़िंदगी में अगर अल्लाह का डर और खौफ है तो ये रात की तारीकी में अंधेरे में उजाले में तन्हाई में खलवत में जलवत में मीटिंग में मार्केट में ट्रेन में सफ़र में कहीं भी आप हो, अल्लाह का डर अगर आपके दिल में है तो आप हर मुश्किल से हर गलत काम से अपने आप को बचा लेंगे अल्लाह का डर बहुत बड़ी चीज़ है अल्लाह का खौफ बहुत बड़ी चीज़ है ये वाक्य हमें बताता है कि हमारे दिलों में अल्लाह का डर है तो हम बड़े से बड़े गुनाह से बच सकते हैं बड़ी सी बड़ी गलती से वापस आ सकते हैं अल्लाह का डर हमारी जिंदगी में हथियार का, का काम करता है मुश्किलात से निकलने का काम करता है और कैसा डर होना चाहिए हमारी जिंदगी में अल्लाह का जैसे रमजान में रोजे की हालत में हम वजू करते हैं और पानी का घूंट मुंह में डालते हैं कुल्ली करने के लिए लेकिन सख्त प्यास के बावजूद उस पानी के घूंट को हम अपने पेट तक नहीं पहुंचाते बल्कि कुल्ली कर देते हैं वापस उडेल देते हैं उसे वजू खाने की नाली में बहा देते हैं क्यों करते हैं ऐसा हालांकि प्यास भी लगी है राइट लेफ्ट वाले को किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसने मुंह में जो पानी लिया था उसे बाहर फेंका या पेट में ले लिया किसी को पता भी नहीं चलेगा किसी को नहीं पता चलेगा कि आज ये बंदा रोजे से है कि रोजे से नहीं है फिर भी आप वो पानी बाहर क्यों फेंक देते हैं इसलिए कि आपका ईमान है कि अल्लाह इज़ वॉचिंग मी अल्लाह मुझे देख रहा है अल्लाह का डर आपके दिल में है अल्लाह का खौफ आपके दिल में है आपको पता है कि किसी को पता चले ना चले लेकिन रब को मालूम हो जाएगा कि आज मैं रोजे से हूं कि नहीं आप अपने घर में हैं कमरे में हैं किचन में हैं या आपके घर में आपके अपने कमरे में फ्रिज है उसके अंदर ठंडा पानी है उसके अंदर जूस है उसके अंदर फल और फ्रूट रखे हुए हैं आपको भूख लगी है सख्त प्यास लगी है ठंडा पानी पीने का दिल कर रहा है ताकि रगे सैराब हो जाएं और आपकी प्यास बुझ जाए लेकिन कमरे में आप अकेले होने के बावजूद भी आप उस जूस को आप शरबत को ठंडे पानी को आप अपने हलक से नीचे नहीं उतारते हैं क्यों इसलिए कि आपको मालूम है कि कमरे की तन्हाई में भी अल्लाह की निगाह मुझ पर है किसी को पता चले ना चले लेकिन आलमीन को पता चल जाएगा कि आज ये बंदा रोजे से है कि नहीं रोजे से मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों खीन और नौजवानों आप अपने दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा करें डर पैदा करें इस बंदे की तरह कि जिसके दिल में जैसे ही अल्लाह का डर आया खौफ आया उसने एक बड़े गलत काम से वसाइल सोर्सेस होने के बावजूद भी सिर्फ अल्लाह के डर से अपने आप को उस गलत काम से बचा लिया इसी तरीके से एक मैसेज इस वाक़े से मोर आपको ये मिलता है कि अगर हमारे यहाँ कोई मजदूरी करता है कोई काम करता है कोई हमारे यहाँ मेहनत करता है पसीना बहाता है तो हमें यह हक हासिल नहीं है कि हम उसकी मजदूरी हड़प कर लें हमें उसकी मजदूरी देनी चाहिए और काम उतना लेना चाहिए जितने पर हमने उसे रखा है ज़रूरत से ज़्यादा या एग्रीमेंट से ज़्यादा या उसके ताकत से ज़्यादा हमें काम नहीं लेना चाहिए और बात जितने पर हुई है दस हज़ार पंद्रह हज़ार बीस हज़ार पचास हज़ार एक लाख जितने पर बात हुई है उतना मुआवजा उतनी तनख्वाह या उतना मेहनताना उस बंदे को वापस कर देना चाहिए इसलिए कि अगर आपने उसकी मेहनत का पैसा उसे नहीं दिया तो आप जुल्म करेंगे और अगर दे दिया आपने उसके साथ उसने सलूक किया जैसे इस बंदे ने किया कि मामूली सा पैसा था कोई अहमियत नहीं उसकी लेकिन उस बंदे के दिल में ख्याल था कि ये मेरा पैसा नहीं है ये मेरा माल नहीं है किसी और का माल है लिहाजा उसने उसकी हिफाजत की पालता रहा पालता रहा यहां तक कि पूरा एक रेवड़ एक काफिला हो गया जानवरों का और जब वो लेने के लिए आया तो उसने ये नहीं कहा कि ये लो ये तुम्हारी थोड़ी सी मजदूरी थी ये सब मेरा है उसने बिल्कुल हकीकत बयान कर दी कि ये सब तुम्हारा है तुम्हारे पैसे का है ले जाओ ये वापस ले जाओ लेकिन अफसोस आज हमारे यहाँ लोग मज़दूरों की मजदूरी खा जाते हैं और इसी तरीके से बिला किसी वजह के टाइम पर लोगों की तनख्वाह लोगों की सैलरी लोगों का मेहनताना नहीं देते हैं ये जुल्म है याद रखें और जुल्म की सज़ा अल्लाह रबालमीन दुनिया के अंदर दिया करते हैं इसी तरीके से इस वाक़े से आखिरी बात जो मालूम होती है आखिरी पैगाम जो आप तक पहुँचाना है वो ये कि ज़िंदगी में कभी किसी मोड़ पर आप किसी मुश्किल में फंस जाएं, किसी आफत की शिकार हो जाएं, किसी बीमारी में आप पड़ जाएं, तो आप यहां वहां की चीजों में फंसने के बजाय गलत काम शिरकिया काम करने के बजाय गाड़ी पर नेमू और मिर्च या घरों की दीवारों पर तख्तियां और इसी तरीके से बच्चों के पेशानी पर बच्चों के माथे पर काला टीका इन सारी चीजों से दूर रहकर आप अपने नेक अमल का वास्ता सहारा वसीला और सोर्स लगाकर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह फला मौके से फला अच्छी ने की अच्छा काम और अच्छी चीज मैंने सिर्फ तेरे लिए किया था अल्लाह ये काम मैंने तुझे राजी करने के लिए किया था अल्लाह उसका वास्ता देकर तुझसे सवाल करता हूँ कि मुझे इस बीमारी से निकाल दे इस परेशानी से निकाल दे मेरे फला घर वाले को इस बीमारी से निकाल दे मेरे फला बच्चे को इस बीमारी से निकाल दे अल्लाह आपके अमल का वास्ता कबूल करता है जैसे इन तीनों लोगों के नेक नेकमाल का वास्ता अल्लाह ने कबूल किया कि बज़ाहिर निकलने की कोई सूरत नहीं थी गार का दहाना गार का मुंह बंद है चट्टान है ये लोग इतनी ताकत नहीं रखते थे कि उस पत्थर को उस गार के मुंह से दूर कर दें लेकिन तीनों ने अपने अपने नेक अमल का वास्ता देकर अल्लाह से सवाल किया अल्लाह ने उनके नेक अमल का वास्ता कबूल किया और उस चट्टान को उस ग़ार से दूर कर दिया हम और आप भी अपने नेक अमल का वास्ता देकर अल्लाह से सवाल करेंगे तो अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करेगा हमारी मुश्किलात को आसान करेगा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम और आप को قرآن الحديث كمتابع زندگی گزارنے فاري النبي صلى الله عليه وسلم کی وبرعمل پر عمل کرنے کی توفیق آمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته